अब देखो गाइस, एक बात तो 100% श्योर है कि हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जब वो किसी शोरूम पे लैपटॉप को लेने के लिए जाए, चाहे वो ऑनलाइन ले, कहीं से भी बाय करे, तो उसके साथ किसी भी तरीके का धोखा हो। और साथ ही वो ये भी कभी नहीं चाहेगा कि जिस काम के लिए उसने वो लैपटॉप लिया हो, वो काम लैपटॉप सही तरीके से ना कर पाए, मतलब परफॉर्मेंस के अंदर या बिल्ड के अंदर या कहीं पर भी उसको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो इसके लिए आज के इस वीडियो के अंदर मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपके साथ ए टू जेड वो सभी टेस्ट जो है वो शेयर करने वाला हूं, जिसकी वजह से आप अपने लैपटॉप की वर्किंग कंडीशन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी, टचपैड, सभी चीजों को चेक कर पाएंगे। और इनमें से किसी भी टेस्ट को करने के लिए आपको लैपटॉप को खोलने की जरूरत नहीं है। सिंपल विंडोज को आप जैसे ऑपरेट कर रहे हैं वैसे ही आप उन टेस्ट को कर सकते हैं। तो शोरूम के अंदर भी अगर आप उन टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होंगे तो शोरूम का जो मालिक है या फिर जो सेल्स पर्सन है आपको मना नहीं कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने से। और यहाँ पर आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप को दबा के टास्क मैनेजर में एंटर कर सकते हैं। वैसे आप रन पर जाके भी टास्क मैनेजर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको जाना है परफॉर्मेंस वाले टैब के अंदर और यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको सीपीयू का देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा सीपीयू इस लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल्ड है। मेरे लैपटॉप के अंदर 11th जनरेशन का इंटेल कोर i7 का सीपीयू है। उसके ठीक नीचे आपको मेमोरी का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर आप टोटल रैम का साइज देख सकते हैं, कितनी उसमें से यूज हो रही है, अवेलेबल कितनी है, रैम की स्पीड कितने मेगाहर्ट्ज़ की है, कितने स्लॉट आपको इस लैपटॉप के अंदर देखने को मिलेंगे और उनमें से यूज्ड कितने हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे इस लैपटॉप के अंदर दो स्लॉट हैं और दोनों के दोनों यूज्ड हैं, इसका मतलब यहाँ पर मुझे ड्यूल चैनल रैम देखने को मिलती है, 8 GB की दो स्टिक्स यहाँ पर लगी होंगी। और इसके ठीक नीचे आपको डिस्क स्पेस देखने को मिलेगा, जैसे कि मेरे लैपटॉप के अंदर जो है वो SSD है 512 GB की। अब डोंट वरी अबाउट द कैपेसिटी, यहाँ पर आपको 477 GB देखने को मिल रहा है, ऐसा नॉर्मली होता है। आपको 1 TB की होगी तो उसके अंदर भी आपको 900 कुछ GB जो है देखने को मिलेगा। जो स्टोरेज है उसकी रीड और राइट स्पीड आपको कैसे देखने को मिलेगी और साथ में टाइप कैसी है, जैसे इसके अंदर SSD है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी वाईफाई के सिग्नल और GPU भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो मेरे लैपटॉप के अंदर फिलहाल 2 GPU के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। डोंट वरी, अगर आपके लैपटॉप में ऑनबोर्ड GPU है तो यहाँ पर आपको 1 GPU का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, जैसे मेरे इस लैपटॉप के अंदर NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti का GPU है, तो वो आपको GPU 1 के अंदर देखने को मिलता है। और रैम की तरह बॉटम में यहाँ पर भी आप GPU की सारी डिटेल्स देख सकते हैं, साथ ही GPU टेम्परेचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्पेसिफिकेशन चेक करने के बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करना डिस्प्ले को। डिस्प्ले के अंदर मेजर आपको दो प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नंबर 1, तो यहाँ पर आपको पिक्सल टेस्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा, बैकलाइट ब्लीड, ये एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है जहां पर खराब डिस्प्ले की क्वालिटी होती है। इन दोनों को हम चेक करेंगे। पिक्सल टेस्ट करने के लिए एक लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको जाके आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप डेड पिक्सल्स को चेक कर सकते हैं। वैसे मेरा ये सजेशन रहेगा, जब भी आप पिक्सल टेस्ट करें यहाँ पर आप लो लाइट वाले किसी रूम में जाइएगा ताकि आपको बेटर विजिबिलिटी देखने को मिले। मेक श्योर जब भी आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो आपकी स्क्रीन जो है वो स्मूथली विजिबल हो और किसी तरीके का मिसमैच पिक्सल ना हो। और गाइस, दूसरा जो मैंने आपको पॉइंट बताया बैकलाइट ब्लीडिंग, इसको चेक करने के लिए आपको देखना होता है कि कहीं पर भी जो स्क्रीन है उसमें से लाइट तो लीक नहीं हो रही है। मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों की स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसको परफॉर्म करने के लिए भी आपको एक ऐसा जगह चाहिए जहां पर लाइट जो है वो ना के बराबर हो। और जो डेड पिक्सल वाली वेबसाइट मैंने आपको अभी पिछले पॉइंट के अंदर बताई है ना, उसको आप ओपन कीजिएगा, ब्लैक वाला ऑप्शन वहां पर आप सिलेक्ट कीजिएगा और देखिएगा कि कहीं से भी ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। और तीसरे पॉइंट की बात करूं तो वो है रिफ्लेक्शंस, और इसको चेक करना बहुत ही आसान है। जहां पर भी आप लैपटॉप लेके बैठे हैं आप देखिएगा कि पीछे का जो हिस्सा है फिर आप खुद भी उस स्क्रीन के अंदर कितने विजिबल हैं। अगर आपकी स्क्रीन अच्छे से विजिबल है, कोई खास रिफ्लेक्शंस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ये टेस्ट भी पास हो चुका है। और डिस्प्ले टेस्ट के अंदर आपका लैपटॉप फ्लाइंग कलर्स लेके पास हो चुका है। और कीबोर्ड को चेक करना तो बहुत ही आसान है, आपको एक नोटपैड खोलना है और वहां पर सभी कीज को बार बार दबा के आपको चेक करना है कि सभी कीज सही तरीके से काम कर रही है। और अगर आपका लैपटॉप बैकलिट कीबोर्ड वाला है तो यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा कीजिएगा और बैकलिट को अच्छे तरीके से चेक कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कुछ लैपटॉप्स के अंदर आपको 3 स्टेज या 2 स्टेज बैकलिट का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो वो भी आप अच्छे तरीके से चेक कीजिएगा। और इसके बाद आ जाता है ट्रैक पैड, तो उसके लिए लिंक मैं एक दे रहा हूँ गेम का, उसको आप जाके चेक कीजिए माउस कंट्रोल का एक गेम खेलकर। इसके अलावा माउस के कर्सर को आप हर कॉर्नर पे ले जाके अच्छे तरीके से चेक कीजिएगा रीच उसकी कैसी है। ट्रैक पैड जो है उसके अंदर आपको मल्टी जेस्चर टच सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और एक लास्ट, आप फिजिकली भी उसको चेक कीजिए कि उसके ऊपर कोई डेंट तो नहीं है, किसी तरीके की कोई फिजिकल उसके ऊपर डैमेज तो नहीं है। इसके बाद आता है लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि अगर आपको लंबे टाइम तक कोई लैपटॉप इस्तेमाल करना है तो डेफिनेटली उसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड होनी चाहिए।
इसके लिए आप लैपटॉप को फ्लेक्स टेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा दबा के देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। बाकी जो मेटल बॉडी वाले लैपटॉप होते हैं डेफिनेटली उनके अंदर आपको काफी स्ट्रांग बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है। और हाँ, एक चीज जिसको आप मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी आप लैपटॉप ले रहे हैं उसके अंदर सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड हो, लैपटॉप पूरी तरीके से अपडेटेड हो, चाहे वो विंडोज की बात करूं या सॉफ्टवेयर की बात करूं। और इसके बाद बात आ जाती है ऑडियो की, और यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट होते हुए देखा है, क्योंकि जब वो लैपटॉप को बाय करते हैं तो सारा फोकस उनका स्पेसिफिकेशन के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर चला जाता है, लेकिन खरीदने के बाद इंसान सिर्फ ये काम तो करता नहीं है, यहाँ पर वो मल्टीमीडिया कॉन्टेंट को भी कंज्यूम करता है, यूट्यूब भी देखता है, गेमिंग भी करता है, गाने भी सुनता है। ऐसे में स्पीकर की जो आवाज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये काम जब आप किसी शोरूम में किसी लैपटॉप को बाय करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पर जरूर चेक कीजिएगा। अगर लैपटॉप के स्पीकर फ्रंट फायरिंग है देन डेफिनेटली आपको इसमें एज मिलने वाली है, लेकिन कई सारे लैपटॉप्स के अंदर स्पीकर जो है वो पीछे की तरफ देखने को मिलते हैं, तो वहां पर एक बार चलाकर वॉल्यूम की क्वालिटी को चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। और दोस्तों, एक चीज जो काफी ज्यादा सुनने को मिलती है, मेरा लैपटॉप आवाज बहुत करता है, फैन नॉइज बहुत ज्यादा है, हालांकि इसको आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल सिस्टम आपको लैपटॉप के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एक सिनेबेंच करके एक सॉफ्टवेयर है, उसका मैं लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूं, अगर आप उसको चला के देखते हैं तो यहाँ पर फैन की नॉइज, उसकी पिच को आप चेक कर सकते हैं। और क्योंकि कोविड की वजह से अब ये सिचुएशन आ चुकी है कि ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लास, वेबिनार्स जो है वो दुनिया भर के होने लगे हैं, तो ऐसे में मेरा एक आपको एडवाइस रहेगा, जब भी आप कोई लैपटॉप बाय करें तो उसके वेबकैम को भी आप चेक कीजिएगा। वैसे तो 99% जितने भी लैपटॉप आते हैं सभी के अंदर आपको 720p का वेबकैम देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप एक बारी वेबकैम को पर्सनली ओपन करके जरूर चेक कीजिएगा। फाइनली, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि लैपटॉप का बैटरी बैकअप जो है जितना कमिट किया गया था उससे काफ़ी कम निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर जब भी आप शोरूम में जाए बाय करने के लिए तो 30 मिनट के आसपास पहले तो ये देख लीजिएगा कि जब आप चेक करना शुरू कर रहे हैं उस टाइम पर कितनी बैटरी है। आधे घंटे बाद जब आपने पूरी तरीके से सारे टेस्ट कर लिए, लगभग आधा घंटा तो लग ही जाएगा, तो उसके बाद आप चेक कीजिएगा कि बैटरी कितना ड्रॉप हुई है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अल्टीमेटली आपको कितना बैटरी बैकअप मिलने वाला है फुल चार्ज होने के बाद। तो ये तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जब आप कोई लैपटॉप बाय करें तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको एक अच्छा लैपटॉप बाय करने में ये हेल्प करेगा, सही लैपटॉप बाय करने में तो 100% हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हैं, techvani.info हमारी वेबसाइट का नाम है। बाकी आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है tech_vani। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।